हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई डिश। आज मैं बना रही हूँ पोहा। चलिए फिर दिखाते हैं हम आपको कैसे बनाते हैं पोहा। सबसे पहले हम यहाँ पोहे को भिगो कर छान लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर भिगो कर छान रही हूँ, उसका पानी निकाल रही हूँ। आप लोग वीडियो में से बने रहिए। ये देखिए जीरा है, मसाला मैंने तैयार के लिए लहसुन गरम मसाला सरसों राय, तड़का के लिए प्याज मिर्चा काट ली, टमाटर धनिया। ये पहले मूँगफली दानों को मैं भून लूँगी, भून कर निकाल लूँगी ब्राउन होने तक। देखिए ब्राउन हो गया है। यहाँ पे मैं कढ़ाई गरम करी, इसमें आप तेल डाल रही हूँ। आँच को थोड़ा धीमा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं राय डालूँगी। राय डालने के यहाँ पे जीरा डालूँगी। आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं प्याज मिर्ची तड़का डाल चुकी हूँ, जीरा भी डाल चुकी हूँ। यहाँ पे ब्राउन तक थोड़ा तल लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर डालूँगी। टमाटर डालने के बाद इसको ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन होने तक इसको थोड़ा धीमी आँच पर पकाएँगे। और यहाँ पर करी पत्ता डाल चुकी हूँ मैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर हल्दी डालूँगी, हल्दी थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी। आपने स्वाद अनुसार मसाला डालना है। नमक भी डाल रही हूँ यहाँ पर मैं। अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। अब यहाँ पर पोहे डाल रही हूँ। अब पोहे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मूँगफली दाना भी डाल चुके हैं। अब यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसको थोड़ा ढककर पका लेंगे। ऐसे चलाते रहिए धीरे धीरे। यहाँ पर नींबू का रस डाल लें। नींबू का रस मैं पहले से निकाल कर रखी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर धनिया डाल रही हूँ, हरी धनिया। इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारा पोहा तैयार है, टेस्टी टेस्टी खाने के लिए।